हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे ज्योग्राफी आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 चैप्टर नंबर 10 स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स अंटार्कटिका। ये चैप्टर हम ऑलरेडी एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड गिव रीजंस। जिसके बाद हमारे चैप्टर प्लस ये हमारी बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश एंड द डैश आर द मेन बेस इन अंटार्कटिका। द वेडल सी एंड रॉस सी, ये आपके अंटार्कटिका के मेन बेस हैं, ठीक है। वेडल सी एंड रॉस सी। द डैश माउंटेन्स डिवाइड अंटार्कटिका इंटू लेसर एंड ग्रेटर अंटार्कटिका। कौन सी माउंटेन्स आपके अंटार्कटिका को लेसर एंड ग्रेटर अंटार्कटिका में डिवाइड कर देते हैं? ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स। डैश आर लार्ज ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी। आइस के बड़े बड़े जो ब्लॉक्स होते हैं जो सी में आपके फ्लोट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसबर्ग्स बोलते हैं। द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका स्टार्ट्स फॉर्मिंग इन द डैश सीजन। जो ओजोन होल आपके अंटार्कटिका में क्या होता है, बनता है, वो किस सीजन में बनना स्टार्ट होता है? समर सीजन में बनना स्टार्ट होता है। डैश आर स्मॉल प्रोटीन रिच शेल फिश फाउंड इन द सीज अराउंड अंटार्कटिका। ये आपके स्मॉल प्रोटीन इसमें ज्यादा पाया जाता है, ये शेल फिश होते हैं, ठीक है, जो आपके सीज में पाए जाते हैं अंटार्कटिका के आसपास, तो इसे हम बोलते हैं क्रिल। नेक्स्ट, डैश वॉज द फर्स्ट बेस कैंप सेटअप बाय इंडिया इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में इंडिया ने जो सबसे पहला बेस कैंप सेटअप किया था वो क्या था, कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अब आते हैं आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सबसे पहला है द ओशियन विच सराउंड्स अंटार्कटिका इज। वो ओशियन जो अंटार्कटिका के साइड में आता है वो कौन सा ओशियन है? पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, सदर्न ओशियन। तो वो है आपका सदर्न ओशियन। नेक्स्ट, अंटार्कटिका डज नॉट एक्सपीरियंस, अंटार्कटिका में क्या नहीं होता? हैवी रेनफॉल, ब्लिजर्ड्स, ऑरोरास, मिडनाइट सन। तो वो है आपका हैवी रेनफॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रो इन अंटार्कटिका, इनमें से कौन सा अंटार्कटिका में ग्रो करता है? टॉल ट्रीज, शॉर्ट ट्रीज, मॉसेस, फंजाइन, लाइकेंस, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी है आपका, मॉसेस, फंगाई एंड लाइकेंस आपके यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैंड इन अंटार्कटिका बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो अंटार्कटिका में बैन कर दी गई है इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा? फिशिंग, साइंटिफिक रिसर्च, टूरिज्म, मिनरल माइनिंग। तो मिनरल माइनिंग बैन कर दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट इंडियन बेस कैंप इन अंटार्कटिका, इनमें से कौन सा आपका अंटार्कटिका का परमानेंट इंडियन बेस कैंप है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, NCAOR, स्किरमैकर ऑफिस। तो ये है आपका मैत्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अंटार्कटिका इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अंटार्कटिका के लिए ट्रू नहीं है? तो वह आपका सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है ये, इट इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, इट हैज नो सीजन, इट हैज नो कंट्रीज। तो इट हैज नो सीजन, इसमें कोई सीजन नहीं होता। बल्कि सीजन तो होते हैं ना, दो होते हैं, विंटर भी होते हैं, समर भी होती है। यहाँ पर हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल। ऐसा कौन सा पहला, कौन था पहला आदमी जो साउथ पोल पर पहुंचा? ये थे आपके नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर रोल्ड एमंडसन, हु रीच द साउथ पोल फर्स्ट। विच पोर्शन ऑफ अंटार्कटिका लाइज नॉर्थ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल के नॉर्थ में अंटार्कटिका का कौन सा पोर्शन लाई करता है, लोकेटेड है? तो वो है आपका अंटार्कटिक पेनिनसुला। नेक्स्ट है, नेम एन एक्टिव वोल्केनो इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के कोई भी एक एक्टिव वोल्केनो का नाम बताना है, माउंट इरिबस। नेम एनी थ्री कंट्रीज दैट आर परमानेंट बेस कैंप इन अंटार्कटिका, कोई भी तीन कंट्रीज के नेम बताने हैं जिनका परमानेंट बेस कैंप अंटार्कटिका में है, ठीक है, वो है आपके इंडिया, रशिया, यूएसए। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट इंडिया अंटार्कटिक एक्सपीडिशन, इंडिया के अंटार्कटिक एक्सपीडिशन जो भी होते हैं, रिसर्चेज होती है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है? वो है आपकी नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च, NCAOR, ये आपकी अंटार्कटिक एक्सपीडिशन जो होते हैं इंडिया के, उन्हें कंडक्ट करती है। बस आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तो यही थे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। डिस्क्राइब एनी थ्री लैंडफॉर्म्स ऑफ अंटार्कटिका, कोई भी तीन लैंडफॉर्म्स के बारे में आपको बताना है अंटार्कटिका की। सो आंसर आपका, थ्री लैंडफॉर्म्स ऑफ अंटार्कटिका आर, अंटार्कटिक पेनिनसुला इज द ओनली एरिया विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ अंटार्कटिक सर्कल, इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कम्स क्लोज टू केप हॉर्न ऑफ साउथ अमेरिका। अंटार्कटिक पेनिनसुला वो आपका ओनली एरिया है जो आपके अंटार्कटिक सर्कल के नॉर्थ में लाई करता है, और ये अंटार्कटिक पेनिनसुला की आपकी एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, जो आपके साउथ अमेरिका के केप हॉर्न के पास पड़ती है। द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स डिवाइड द कॉन्टिनेंट इंटू टू पार्ट्स, लेसर अंटार्कटिका एंड ग्रेटर अंटार्कटिका। जो थ्री लैंड फॉर्म्स पढ़नी है, पहली हो गई अंटार्कटिक पेनिनसुला, दूसरी है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स, जो आपके पूरे कॉन्टिनेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, लेसर अंटार्कटिका एंड ग्रेटर अंटार्कटिका। नेक्स्ट है इसमें क्या, ड्राई वैलीज, माउंटेन्स एंड रग्ड सरफेस कैरेक्टराइज द टेरेन ऑफ अंटार्कटिका। माउंटेन्स और जो यहाँ का रग्ड सरफेस है
उसकी वजह से यहाँ के अंटार्कटिका के टेरेन के बारे में पता पड़ता है। द शोर्स आर वेरी स्टीप, के किनारे बहुत स्टीप हैं एंड हैव सम बेयर वैलीज, और इसमें कुछ बेयर वैलीज पाई जाती हैं। उन वैलीज को हम ड्राई वैलीज बोलते हैं बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम आइस। तो ये थ्री लैंड फॉर्म्स है अंटार्क्टिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अकाउंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन एंड अराउंड अंटार्क्टिका। अंटार्क्टिका के अंदर और अंटार्क्टिका के आसपास जो भी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है उसके बारे में आपको बताना है। अंटार्क्टिका इज एन आइसी डेजर्ट। अंटार्क्टिका एक आपका आइसी डेजर्ट है, सो देयर फ्यू एनिमल्स कैन लिव। तो वहां पर कुछ ही एनिमल्स रह पाते हैं। बहुत सारी तरह के यहाँ पर फिश और क्रिल्स हैं प्रेजेंट, ठीक है, अंटार्क्टिका में। इन समर, समर में मेनी वेराइटीज ऑफ बर्ड्स कम टू फीड ऑन दीज बट दे लीव इन विंटर। यहाँ गर्मियों में बहुत सारी वेराइटीज बर्ड्स की आती हैं यहाँ पर फीड करने के लिए, लेकिन वो सर्दियों में यहाँ से चली जाती हैं। ओनली मेल एम्परर पेंगुइन्स रिमेन टू गार्ड देयर एग्स। बस यहाँ पर सिर्फ एम्परर पेंगुइन्स रहते हैं, मेल एम्परर पेंगुइन्स, जो अपने एग्स की रक्षा करते हैं, गार्ड करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स एंड वेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सील्स और वेल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दीज मैमल्स, ये मैमल्स जो है सील्स और वेल्स, ये भी माइग्रेट कर जाते हैं वार्मर वाटर में जब विंटर आती है। These creatures are protected by international laws. और ये जो जितने भी creature यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो international laws के द्वारा protect करे जाते हैं। Next question, explained by Antarctica is sometimes called a human void zone. That is a place without human beings. अब आपको ये explain करना है कि Antarctica को कभी कभी human void zone क्यों बोलते हैं। Human void zone means ऐसा place जहाँ पर human beings नहीं रहते, क्यों बोलते हैं। Antarctica is sometimes called as human void zone because it has no permanent inhabitants. यहाँ पर कोई भी permanently नहीं रहता है and there are no countries on this continent. और इस continent पे कोई भी countries नहीं है। It is the coldest and loneliest place on the earth. और ये पूरे earth पर सबसे ठंडा और loneliest place है, सबसे अकेले place है जहाँ पर कोई नहीं रहता है और ना ही कोई country है। Many countries have set up their base camps in Antarctica. बहुत सारी countries ने अपने base camp यहाँ पर set up किए हैं। तो इनके बेस कैंप्स में जो भी लोग रहते हैं वो टेम्परेरी इनहेबिटेंट्स होते हैं उस कॉन्टिनेंट के, ठीक है। टेम्परेरी इनहेबिटेंट्स यानी कुछ टाइम के लिए ही वो लोग रहते हैं, ठीक है, परमानेंट कोई नहीं है। एंड मोस्टली, और वो भी जो लोग रहते हैं वो साइंटिस्ट और टेक्निकली स्किल्ड पर्सनल होते हैं जो वहाँ रहते हैं। तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो गए। हम करते हैं गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है, अंटार्क्टिका हैज समर बिटवीन नवंबर एंड फरवरी। नवंबर एंड फरवरी के बीच में अंटार्क्टिका में समर होता है और हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में विंटर्स होती हैं। तो ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि अंटार्क्टिका आपका सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में क्या होता है, द कॉन्टिनेंट रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट। इस टाइम में कॉन्टिनेंट मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है और यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है कोस्ट को छोड़कर। वी कैन नॉट यूज अंटार्क्टिकाज मिनरल्स एट प्रेजेंट। अंटार्क्टिका में जितने भी मिनरल्स मिलते हैं उन्हें हम प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ कटिंग थ्रू दी थिक लेयर्स ऑफ आइस। आपको पता है 3 से 4 मीटर्स की गहरी क्या होती है, वो गहरी नहीं, आपकी थिक होती है आइस की लेयर्स वहां पर, तो उन्हें कट करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। कमर्शियल माइनिंग इसलिए यहाँ पर नहीं करी जाती है। माइनिंग एंड रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करना यहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है। क्रिल आर इम्पोर्टेंट रिसोर्स इन अंटार्क्टिका। क्रिल जो है वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है अंटार्क्टिका का। द सी अराउंड अंटार्क्टिका हैज अ ह्यूज नंबर ऑफ क्रिल। अंटार्क्टिका के आसपास जितना भी समुद्र पाया जाता है, वेल, सील्स एंड पेंगुइन्स फीड ऑन देम। वेल, सील्स और पेंगुइन्स इन्हें खाते हैं एंड देयर प्रोटीन रिच मीट। और जो क्रिल का प्रोटीन रिच मीट होता है उसे यूज किया जाता है क्रिल मीट पेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अंटार्क्टिका इज ऑफन कॉल्ड द कॉन्टिनेंट फॉर साइंस। अंटार्क्टिका को हम कभी कभी कॉन्टिनेंट फॉर साइंस भी बोलते हैं, बिकॉज अंटार्क्टिका इज यूज्ड ओनली फॉर साइंटिफिक पर्पसेस एंश्योर्ड इन एन इंटरनेशनल ट्रीटी। एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, यानी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये इंश्योर किया गया था कि अंटार्क्टिका को सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जाएगा, इसलिए हम कहीं से कॉन्टिनेंट फॉर साइंस भी बोलते हैं। सो गाइज, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर विद दिस बुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और सेवेंथ का अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आपको पता है ऑलरेडी, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स और कंप्यूटर, ये सभी के सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ज्योग्राफी भी आपका कंप्लीट हो गया है। एंड आपको और कुछ कंटेंट चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।